अच्छा मेरे बोला मैन फोर्स क्या क्या तकलीफें होती है लाइक तेरी जान जली ना तुम बोल रहे थे ये तो 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है दरवाजा पकड़ गई क्या और गाइस सो वेलकम बैक वंस अगेन अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूरनबर्ग को फिल्म करने स्टेशन यहाँ पर है मेरे साथ आयमन भाई वेदांग में 10 मिनट रुकने से बेटर है चल के चलो नहीं बे प्लीज 10 मिनट रुकना है हाँ क्या हाँ उधर लगा है स्क्रीन पे उधर उधर बड़ी स्क्रीन है उधर अच्छा शिट मैन सो अभी हम लोग TH न्यूरनबर्ग के कैंपस पे आ गए ये टाइम स्टॉप का नाम है ड्यूरनहॉफ और इधर सिर्फ 11 नंबर और 5 नंबर आती है ओके और कहाँ है तुम्हारा कैंपस कहाँ है ये एक फैकल्टी है सामने हाँ यहाँ पर डिजाइन के कोर्सेज होते हैं क्या क्या डिजाइन आर्किटेक्चर के कोर्सेज होते हैं इसका एंट्रेंस कहाँ है ये साइड से एंट्रेंस है उधर से अच्छा और आपके पीछे कहाँ अच्छा वो स्टेशन है क्या वो S-Bahn स्टेशन क्या नाम है ड्यूरनहॉफ अच्छा यही नाम से अच्छा ये रही बिजनेस फैकल्टी OHM technical technical hochschule Nuremberg लिखा हुआ है it was basically before it became OHM it was technische hochschule Nuremberg georg simon ohm हाँ right exactly इसकी फोटो है वो अगर आप ज़ूम कर सकते हो हाँ ये ohm's law वाले बंदा है ना he's the guy who founded the ohm's law he's based in london उनके घर वर है अभी भी हाँ वो मैंने देखा है actually हाँ vlog में मैंने दिखाया भी है okay और ये मेन बिल्डिंग है तुम्हारी ये बिजनेस फैकल्टी अच्छा so और हर फैकल्टी का अलग अलग बिल्डिंग है अच्छा तो अभी हम लोग क्या देखने वाले वी विल गो इनसाइड द बिजनेस फैकल्टी ठीक है देयर वी विल गो टू द मेन कैंपस जो इट्स जस्ट अक्रॉस द रिवर कितना देर लगेगा उधर पहुंचने को फाइव मिनट्स ओके नॉट बैड यार तो मतलब मेरे को वो स्टूडेंट आईडी कार्ड और ये सब कहाँ मिलेगा यहाँ पे जब आते हो आपके डे वन पे यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे इंटरनेशनल ऑफिस है इफ यू आर फ्रॉम बिजनेस फैकल्टी आप कोर्स करने आते हो तो यहाँ पे जाओगे आप लेटर ऑफ एनरोलमेंट दिखाओगे तो आपको वो आपका यूनिवर्सिटी आईडी दे देते हैं वही आपका मेंसा कार्ड भी है अच्छा तो आप लोग के इधर लाइक इस यूनिवर्सिटी में कितने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है कुछ दे एमबीए इज वन आप एमबीए पढ़ रहे हो देयर आर टू मास्टर प्रोग्राम टू मास्टर्स क्या कर रहे हो मास्टर्स इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स हां और दूसरा कौन सा मीमा करके है इंटरनेशनल मार्केटिंग फ्री हो भी हां वो भी नाइस यार चलो चलते हैं इनके कैंपस में कल को अगर आप पढ़ने आओ आज एक्चुअली वीकेंड है तो हां ये भी एक क्वेश्चन है कि खुला है या नहीं मेरे को तो नहीं लग रहा है आज वो भी संडे सैटरडे को आते तो शायद से मिल जाते बट हाँ देख ले एक बार सेंसर वेंसर बंद है तो हाँ चलो कोई बात नहीं फिर कैसे जाए यहाँ से जाना पड़ेगा ओके हम लोग बेसिकली बिजनेस फैकल्टी थे जहाँ हम लोग उतरे थे क्योंकि दरवाजा बंद था तो हम दूसरे साइड से भी पीछे से वॉक करके मेन कैंपस की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर बस स्टॉप भी है होक्सुले का 36 नंबर टुवर्ड्स डाकू जेंट्रूम के तरफ जाओगे तो आप यहाँ उतर सकते हो यहाँ उतरोगे तो स्ट्रेट ये मेन कैंपस है ये नदी है तुम्हारी शहर की पेगनिट्स रिवर है क्या लेक बनती है इट्स द पेगनिट्स रिवर अच्छा जो यहाँ पे बिकम फॉर्म्स अ लेक इसको वोडर ज़े बोलते हैं अच्छा ज़े इज लेक हाँ तो ये वोडर लेक बनती है एंड देन अगेन इट फ्लोस इस साइड और ये जाती है फोर्थ एयरलाइन फोर्थ एयरलाइन की तरफ हाँ ओके 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 न्यू ईयर्स कहाँ मनाते हो तुम लोग इधर ही मनाते हो कहीं कैसल पे फायरवर्क्स होता है अच्छा ओके सही है वैसे तुम लोग का अभी खर्चा कितना चल रहा है तकरीबन मुझे 650 के आसपास चल रहा है हाँ। मेरा रेंट कम है ऑलमोस्ट 300 यूरो ही है सिर्फ एक रूम मिल रहा है एक अपार्टमेंट में या पूरा अपार्टमेंट नहीं मेरा एक स्टूडेंट ओनिंग है एक स्टूडेंट डॉर्म है हाँ। तो उसमें मेरा खुद का एक सिंगल रूम जिसमें अटैच्ड बाथरूम किचन एवरीथिंग और ये मुझे 300 में मिल रहा है महीने अरे वाह हाँ, तेरा कितना मेरा भी सेम स्टूडेंट इन मॉनहाइम है बट मेरा प्राइवेट है स्टूडेंट इन वर्क वालों का नहीं है बट आई पे सिमिलर 200-300 यूरो स्टूडियो रूम बाथरूम किचन सब खुद का है ओवरऑल अगर मंथली एक्सपेंसेस देखा जाए तो यस एस गोज अराउंड 650-700 यूरोस तक महीने का कंसीडरिंग योर मंथली मैंडेट जैसे इंश्योरेंस हो गया रेंट हो गया रेडियो टैक्स हो गया तेरी जान जली ना बोलते हुए अंदर से जली रेडियो टैक्स के नाम पे बेसिकली इस देश में आपको रेडियो टैक्स देना पड़ता है क्योंकि जो यहाँ का जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है कल को जाके कोई मीडिया हाउस किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडिस्ट ना बन जाए इसीलिए वो अभी भी पब्लिक से पैसा लेते हैं ताकि वो किसी का फेवर ना करें एनीवे हम सारे बेसिकली रेडियो टैक्स देते हैं क्वार्टरली आपको पे करना पड़ता है कितना आ जाता है अराउंड 50-60
पर मंथ का होता है राइट। हाँ तो ये अभी मेन कैंपस में ऑलमोस्ट आ गए, अभी एंटर कर रहे हैं। अच्छा ये वाला ओके, दोनों साइड में यूनिवर्सिटी है और अलग अलग फैकल्टीज है। ये व्हाइट वाली बिल्डिंग में हाँ 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 मैं देख रहा हूँ, बोर्ड लगा हुआ है नीचे, ब्लू बोर्ड है। हाँ देख रहा हूँ मैं वही, क्या क्या तकलीफें होती है लैंग्वेज तो है। हाँ हाँ इसके अलावा बताओ, बवेरिया में 8 बजे सब बंद हो जाता है। हाँ तो ये ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, ये यू नो माइंड फैक्टर नहीं कर सकता कि यार 8 बजे पूरा देश कैसे या पूरा स्टेट कैसे बंद हो सकता। तो अभी सैटरडे था कल। हाँ। और आपने दूध लेना भूल गए आप, संडे पूरा बंद रहेगा, 8 बजे वैसे ही बंद रहेगा, तो यार सॉर्ट ऑफ लॉक्ड इन अ बैड सिचुएशन। तो ये एक मेन चीज है। बट बर्लिन में हमारे यहाँ ऐसे कुछ सुपरमार्केट्स हैं जो संडे को भी खुले हैं, बट प्राइस थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है आपको। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वैसे देखो तो एक है हॉपबॉर्न में, एक लिटिल है जो सैटरडे एंड संडे 9 बजे तक तो खुला होता है रात के, बट उनका रेट उतना फ्लक्चुएट होता नहीं है। अच्छा, और यार मेरे को ये बताना कि न्यूरनबर्ग में और न्यूरनबर्ग के आजू बाजू कौन से बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स है कंपनीज के? उमा है, अडिडास है, सीमेंस है, शेफलर है, स्टेटलर है, जेफेबर कैसल है, स्वान स्टेबिलो है, आई थिंक मैन का भी इधर है, थोड़ा न्यूरनबर्ग के जस्ट बाहर मैन का हेडक्वार्टर है जो मैन का व्हीकल्स। अच्छा मेरे को लगा मैन फोर्स। नहीं यार मैन बोला, तुम शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हो क्या मैन काइंड? सरोगेट मार्केटिंग नहीं चल रही यहां पर। मैं बोला मैन का है इधर भी। चलो अंदर फिर अभी आगे चलते हैं। ये भी ऐसा जो पुराना सा घर सा दिख रहा है वो भी यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। वाओ यार संडे इसलिए कोई है नहीं कैंपस पे, आई एम श्योर नहीं तो भरा होता होगा लाइब्रेरी में। मैं तो उतना आता हूँ नहीं लेकिन जो भी आता है उसने मेरे को हाल ही लास्ट वीक अपने एग्जाम खत्म हुए तब 2 दिन आया था मैं पढ़ने। लाइब्रेरी कहाँ है? लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी की ये पूरी बिल्डिंग है। अच्छा ये पूरी लाइब्रेरी है? ह्यूज बिल्डिंग। अरे भाई द होल बिल्डिंग इज द लाइब्रेरी। नाइस यार, बवेरिया में वन ऑफ द टॉप लाइब्रेरीज है। ऐसी क्या खास बात है इसमें? सारी बुक्स मिल जाती है, बुक्स का हो गया, द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस दे हैव ऑन स्टॉक, इवन मे बी द वेट लुक्स अंदर से काफी ठीक है। बहुत मॉडर्न है यार, लेकिन ये पूरी लाइब्रेरी है यहाँ से लेके और भी आगे जा रही है। ये भी कैंपस है तुम्हारा? कैंपस है। वाह यार, तुम बोल रहे थे तो 200 साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी है, ये तो बहुत ही मॉडर्न है यार। मॉडर्न रेनोवेशन किया हुआ होगा बट है तो 200 साल पुरानी। जस्ट लास्ट ईयर उन्होंने 200th एनिवर्सरी मनाई एंड दे आल्सो चेंज्ड द लोगो ऑफ द यूनिवर्सिटी। अच्छा जी ओके, वो पीछे तक जा रही है क्या पूरी यूनिवर्सिटी? और एक फैकल्टी, हाँ पूरा पीछे यूनिवर्सिटी। वाओ सही है यार, और ये मेंस है ओके, ये कैफेटेरिया है इनका, तो कल का भी आप यहाँ आओगे पढ़ने तो ये जो पॉड्स रखे हुए हैं, जैसे यू रखा हुआ है वो उधर ब्लू कलर का। हाँ ये वाले बैठने के लिए सही है यार। तो हम लोग वहाँ से चल के आए हैं, ये आप देख सकते हो नाम वाम लिखा हुआ है। ब्रांडिंग पे काम किया तुम्हारी यूनिवर्सिटी में? ये एक्चुअली ओल्ड ब्रांड है, अभी नया ब्रांडिंग जो हो रहा है वो हर एक यूनिवर्सिटी। ये नया लोगो है? नहीं, दिस इज द ओल्ड वन। ये ओल्ड लोगो है। अच्छा अच्छा, तुमने जो नाम बताया यूनिवर्सिटी का अभी भी यहीं पर देखो ऊपर है ओके। और इनका जो MBA का क्लास है वो कहीं और होता है इस तरफ को कहीं? बिल्डिंग में लास्ट बिल्डिंग। हाँ ओके ओके, और कैंप फैकल्टीज अलग अलग फैली हुई है हर जगह पर? हाँ ओके। बस इतना ही नहीं, यहाँ से मान के चलो आप 1.5 किलोमीटर उससे जाओ उधर भी आपको 2-3 फैकल्टी मिल जाएंगे। अच्छा। स्मॉल बिल्डिंग्स यहाँ पे अलग अलग कोर्स पढ़ाए जाते हैं, तो बहुत स्कैटर्ड कैंपस है। तो ये जो अभी ट्रेन आ रही है ये ड्राइवरलेस ट्रेन है यार, ये दिखाता हूँ, आ ही रही है, इसको कोई ड्राइवर चला नहीं रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं ये U3 लेके।